हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज मंगलवार है। सभी लोग एक बार मेरे साथ बोले, आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, हनुमान चालीसा हम सभी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक तरीका, तांत्रिक तरीका, जिसको करके आप हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में जितनी क्रियाएं हम करते हैं, जो ये प्रकृति है, तारामंडल है, मनुष्य का संबंध है, चरित्र है, विचार है, भावनाएं हैं, सभी चीज़ें तंत्र से चल रही है। जीवन तंत्र हम इसको कहते हैं। और कोई भी घटना सूचना दे करके हमें जीवन में नहीं आती, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं होती कि वो काल की गति को पहचान सके, भविष्य का ज्ञान कर सके और समय चक्र उसके अधीन हो। इसलिए आपको तंत्र की शक्ति को समझना बहुत बहुत जरूरी है। वर्तमान युग में हम क्या करते हैं, हनुमान साधना तुरंत फल देने वाली होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी के तांत्रिक पूजा कैसे आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का तांत्रिक उपाय क्या है, जिसको करके आप तुरंत किसी भी कार्य में फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। हनुमान मंदिर सर्वत्र है। कोई भी आप किसी भी कोने पे चले जाइए, शायद कहीं कहीं आपको एक ही लेन में दो दो हनुमान मंदिर मिल जाए। और 33 करोड़ देवी देवता की कल्पना की गई है हमारे देश में। शिवय, रामय, कृष्णय, दुर्गय, लक्ष्मीय, गणेशय, पार्वती, हनुमान आदि प्रमुख है। इसमें हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा का फल एक साथ आपको मिल जाता है। सबसे सरल और प्रभावी मानी गई है हनुमान जी की पूजा। कलयुगी देवता हैं, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और पौराणिक ग्रंथों में हनुमान जी को शिव जी का अंश ही बताया गया है। सभी हनुमत भक्ति बात अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति अपरंपार है, परंतु कुछ लोग एक बात नहीं जानते, जैसे हनुमान जी की एक तीव्र शक्ति जिसे मसानी शक्ति के रूप में हनुमान बीर कहा जाता है। हनुमान जी वीरों के वीर है, इसलिए इनका नाम महावीर नाम से प्रचलित है। और देवताओं की शमशानी ताकतों को तंत्र में वीर कहा जाता है। और कोई भी काम वीर शीघ्र ही करवा देते हैं। उनको किसी भी काम को करने का कोई बंधन नहीं होता। जैसे अन्य देवी देवता की कृपा से इंसान का जीवन बदल सकता है, परंतु कोई भी देवी देवता मनुष्य के वश में होकर ही काम करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप हनुमान जी की साधना करते हैं। जैसे वीर काम करने के बाद साधक से कुछ प्रसाद मांगते हैं, ऐसे हनुमान जी से जब भी आप कोई काम करवाते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ उनको एंड में आपको थोड़ा सा भेंट चढ़ाना चाहिए, जैसे नारियल है, सिंदूर है, उसके बदले हनुमान वीर हमारा कोई भी काम कर देते हैं। यूँ तो हनुमान भक्त हनुमान चालीसा की शक्ति से सभी लोग परिचित हैं और आवश्यकतानुसार इसका अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन आम तौर पर हनुमान चालीसा को वैदिक सूक्त मान करके भगवान से अर्जी लगाई जाती है। इसके कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोग होते हैं जिन्हें शुरू करने पर तुरंत प्रभाव होता है और व्यक्ति के बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। आपको मैं बता दूं, हनुमान चालीसा का विशिष्ट प्रयोग में से एक प्रयोग ये है कि किसी भी मंगलवार को या शनिवार के दिन से इस स्तोत्र का कम से कम 11-12 पाठ करना शुरू कर दें। ये पाठ किसी हनुमान मंदिर में या शिव मंदिर में करें तो बेहतर होगा। अगर आप अपने घर में करते हैं ये पाठ, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सुबह शाम आप उस तस्वीर के आगे या उस मंदिर में बैठ करके पूजा ज़रूर करते हैं। जागृत मंदिर होना चाहिए। मंदिर न होने पर कोई भी अगर राम दरबार है, उनकी फोटो आप अपने घर ले आएं और पाठ करने के पहले हनुमान जी तथा भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। संभव हो तो उन्हें पुष्प, दीप तथा प्रसाद अर्पण करें। इसके बाद शांत चित्त से एकाग्र होकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए पूरे मनोयोग से हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। इसके बाद थोड़े से गुड़, चने, थोड़े लड्डू या जो भी आपने भोग रखा है, नारियल, इसका प्रसाद आप खुद भी खाएं और दूसरों को भी बांटें। इस उपाय को आपको तब तक करना चाहिए जब तक कि आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर ना हो जाए। यदि आपको लगता है समस्या बहुत ही विकट है और आप हर तरफ से फंस गए हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का 11 पाठ करने के बजाय प्रतिदिन 108 पाठ आपको करने चाहिए।
इस प्रयोग में इतनी शक्ति होती है कि एक बार मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान दिया जा सकता है। चालीसा के इस पाठ से ना केवल बिगड़े हुए काम संवरते हैं, वरना भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी सभी चीजें आपके जीवन से दूर भाग जाती है। यदि किसी ने कोई कुछ करवा रखा है, जैसे कि कहते हैं कि जादू टोना आदि करवा रखा है, इससे आपका जीवन दुश्वार हो गया है, तो इस प्रयोग को करने के पहले दिन से ही आपकी समस्याएं समाप्त होने शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखें दोस्तों, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही साधारण सरल प्रयोग तो है, लेकिन बहुत ही अधिक उग्र तांत्रिक प्रयोग है। इसलिए बहुत सावधानी से और इसका उपयोग तभी करें जब आपको रियल में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। उपयोग के समय मन में किसी भी प्रकार के विकार आपको नहीं लाने चाहिए, किसी भी प्रकार के गलत कार्य आपको इस समय नहीं करने चाहिए। कोई भी ड्रिंक, स्मोक, किसी भी तरह की बुरी आदतें, किसी की बुराई, चुगली आदि, किसी की चीज़ लेना, चोरी आदि, इस तरह की चीज़ें, पति पत्नी का संग होना, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। तामसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। समस्या का समाधान होने के बाद यदि आप चाहें तो इस प्रयोग को निरंतर चालू रख सकते हैं, परंतु मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना या गलत इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे भगवान मारुति स्वयं ही प्रसन्न होकर बिना मांगे आपको बहुत कुछ दे देते हैं। ये हुआ हनुमान चालीसा का तांत्रिक प्रयोग। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं किंतु उनका लाभ उनको नहीं मिलता, धन किसी न किसी कारणवश अटका हुआ रहता है। ऐसा खास तौर पर उन लोगों के साथ होता है जो अपने पैसों को ब्याज के लालच में उधार दे देते हैं, और जब उन्हें पैसों की खुद ज़रूरत होती है तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। अपने अटके हुए पैसे को पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन एक काम आप कर सकते हैं, गोपी चंदन ले लें, गोपी चंदन की 9 डलियां ले लें, किसी भी पूजा दुकान में मिल जाती है, और उनको केले के पेड़ पर आपको टांग देना है। दो बातों का ध्यान देना है, पहला तो ये कि ये पीले धागे से ही इन डलियों को आपको बांधना है, और दूसरा ये कि आप इस उपाय को सिर्फ आप मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती के दिन ही अपनाएं। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया गया प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और ऐसे लोगों पर हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। गृह जीवन में खुशियों को भरने के लिए आप एक नारियल ले लें और उस पर कामिया सिंदूर लगाएं। कामिया सिंदूर अगर नहीं है, थोड़े से सिंदूर को आप ले लें एक छोटी सी डब्बी में और हनुमान जी के सामने रख करके उसको अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित कैसे करेंगे, एक माला का जब ओम हं हनुमते नमः का आप कर लें, और फिर उस पर मौली और कुछ चावल आप अर्पित करें उस नारियल पर। अब इस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने जाएं और उसे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से अपनी कामना से अवगत कराएं। आप देखेंगे चढ़ाया हुआ नारियल को वापस नहीं लेकर के आना, वहीं चढ़ा देना है। आप देखेंगे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, आपको अवश्य लाभ मिलता है। अगर आपका कोई बना बनाया काम बिगड़ गया है तो हनुमान जी आपकी उसमें भी सहायता करते हैं। बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए आपको पीपल के पेड़ के पास पीपल के जड़ में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और उसके बाद प्रार्थना करें और अपने घर वापस आ जाएं। लेकिन ध्यान रखना है कि मुड़ करके आपको बिल्कुल नहीं देखना है। जब आपका जीवन सफलता के पथ पर चलता है तो ऐसे अनेक लोग होते हैं जो आपसे जलन करने लगते हैं, आपकी तरक्की और उन्नति के मार्ग में बाधक बनने लगते हैं। ऐसे ही गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए आप हनुमान जी का एक अचूक टोटका अपना सकते हैं। क्या करना है आपको, जल्दी उठें सुबह और खुद को शुद्ध करें। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाए हैं तो भी आप शाम के बाद 5 बजे के बाद इस उपाय को करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या तो स्थापित कर लें। इसके बाद 7 बार हनुमान बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को भोग लगाएं। अब 5 लौंग लेना है और उन्हें पूजा स्थल पर ही देसी कपूर के साथ भस्म कर दें। इस भस्म को आप इकट्ठा करके अब जब भी आप अपने काम के लिए जाएं तो इस भस्म का तिलक करके अपने घर से निकलें। दोस्तों आप देखेंगे गच्छप का वशीकरण तिलक होता है और सभी शत्रु उनकी चालें उन्हीं पर उल्टी पड़ जाती है। हनुमान नाम की महिमा अलौकिक है। अगर आप सुबह सुबह उठते ही अपने बिस्तर से उठते ही हनुमान जी के 12 नामों का जप करते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होती है।
अगर आपको लगता है आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हैं, तो प्रतिदिन नित्य नियम अपनाते हुए हनुमान जी की पूजा करें, उनका नाम जपें और आप इसी मात्र से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रात को सोने के पहले हनुमान जी के 12 नामों का आपको जप करना चाहिए। कैसे बोलेंगे आप? ओम हनुमान, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फागुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रमा, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। इस प्रकार हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से ना सिर्फ मनुष्य के उम्र में वृद्धि होती है, बल्कि समस्त सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पताल से भी रक्षा करते हैं। इसलिए कर लीजिए ये उपाय। आज मैंने आपको हनुमान चालीसा का तांत्रिक तरीका बताया है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कोई परेशानी आपको घेरे हुए है, कर्जा पे कर्जा चढ़ गया है, परेशानियों पे परेशानियां हैं, तो आप इस उपाय को करके आप अपने जीवन से कष्टों को मिटा सकते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता मारुति नंदन किसके जीवन में काया पलट कर दें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। और जय हनुमान जी की, जय बजरंगबली जी की।